वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको जूते के बहुत प्यारे सा डिजाइन बताने वाले हैं, आप स्लीपर भी कह सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप ये 6-7 नंबर का जूता बनके तैयार हो जाएगा। नॉर्मली सब इतना ही पहनते, और अगर आप चाहें तो बड़ा भी बना सकती हैं। तो देखिए, मैंने पूरे जूते के लिए इसमें 97 फंदे डाले हैं। और देखिए, इसकी फर्स्ट रो जो बुनेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा लगता है जूता बनने में। तो फर्स्ट रो देखिए, हम इस तरह से उल्टी बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरी फर्स्ट रो हम उल्टी बुनकर यहां तक बिल्कुल लास्ट तक आकर बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल लास्ट का फंदा रह गया। तो देखिए, लास्ट का फंदा कैसे बुनेंगे, धागा पीछे कर देंगे और एक फंदा लास्ट वाला सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए इसे उतार लीजिए। और ये देखिए, इस तरह से सेकंड रो भी हमने पूरी उल्टी बुननी है। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड रो में उल्टी बुन रही हूँ। तो देखिए, ये एक लाइन बन गई है। इस तरह से मुझे 8 लाइनें बनानी हैं। तो मैं 8 लाइनें बुनकर आपको बताती हूँ कि 8 लाइनें 16 सिलाइयों में कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। तो आप 8 लाइनें पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, मैंने फर्स्ट ही रो को इतनी रिपीट करके देखिए, अब हम सीधी तरफ हैं। हम देखिए, हमने कितनी लाइनें बुनी हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, हमने 8 लाइनें इस तरह बना ली हैं, ये देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ से फ्रेंड्स देखिए, हम अलग सा ऊन लगाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें लगा सकती हैं। देखिए, आपने याद रखना है कि आपने ये 8 लाइनें बुननी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, 8 लाइनें हो गई हैं। अब 8 लाइनें बुनने के बाद देखिए, उल्टी तरफ से आपने इस पिंक वाले ऊन से भी इसी तरह उल्टा बुनना है। तो इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, उल्टी तरफ से मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स ये देखिए, नीचे के जो ग्रीन है इसमें हमने 18 सिलाइयां बुनी हैं, और इसके बाद ये गुलाबी से मैंने 19 सिलाइयां हो चुकी हैं मेरी। और अब देखिए, 20वीं सिलाई हम किस तरह बुनेंगे। ये देखिए, आपने एक इस तरह उतारना है, और ये देखिए दो फंदे आपने इस तरह कर लिए। अब देखिए, 1, 2, 3, इन तीन फंदों को आपने एक साथ उल्टा ही बुनना है इस तरह। फिर देखिए, इस पर एक बल डाल दीजिए। फिर आपने दोबारा इन तीन फंदों में से फिर से बुनना है। तो देखिए, तीन फंदों में हमने बुना तो हमारे तीन फंदे आ गए हैं। देखिए, 1, 2, 3। तो हर तीन फंदों में से हमने देखिए उल्टा बुनना है। पहले एक साथ तीनों में से एक बुन लिया, फिर उसके बाद आप इसमें एक बल डाल दीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आपने दोबारा इसी में बुनना है। तो तीन फंदों में बुनना है और तीन ही फंदे बनाने हैं। ये देखिए, तीन फंदे हो गए। फिर ये देखिए इस तरह, 1, फिर एक बल डालिए। फिर देखिए, दोबारा से तीन फंदे बनाने हैं, तो दोबारा से फिर से इसमें बुनिए। इन तीन फंदों में से इस तरह से एक बार बुनेंगे, एक बल डालेंगे, फिर हम एक बार और बुनेंगे। दो बार बुनेंगे और एक बार बल डालेंगे, तो हमारे तीन फंदे बन जाएंगे। ये देखिए,
इस तरह एक बल डालिए, फिर देखिए दोबारा से इसी में बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके नेक्स्ट रो में बताती हूँ कि हमें क्या करना है। इस तरह से मैं इस रो को बिल्कुल लास्ट तक आ गई इस रो के। अब देखिए हमने हर तीन फंदे में से तीन फंदे बना लिए हैं, देखिए लास्ट में दो फंदे बच गए हैं, तो इन दो फंदों को भी हम इस तरह से एक उल्टा बुनेंगे और एक सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स हमने दो ही रो पिंक वाले ऊन से बनानी थी, अब जो हम ये रो इस तरह हमारी 20 रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 21 रो फिर हम ग्रीन से बुनेंगे, देखिए यहां से बुन दीजिए ग्रीन से, एक हर तीन फंदों में से को अब हमने अलग अलग ही बुनना है इस तरह, बस आपने उल्टी सिलाई है उल्टा ही बुनना है। चलिए तो इस रो को कंप्लीट करके नेक्स्ट बताती हूँ नेक्स्ट रो में कि हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने देखिए ग्रीन से भी इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने ग्रीन वाले ऊन से चार सिलाइयां बनानी हैं और दो लाइनें तैयार होंगी चार सिलाइयों में, फिर हमने ये गुलाबी वाली लाइन को रिपीट करना है। तो मैं ये रिपीट कर आपको बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं रिपीट कर बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने ये पिंक वाले फ्लावर को जो मैंने दो लाइनों की जो ये डिजाइन था इसे देखिए मैंने रिपीट कर लिया। ये देखिए मैंने एक दो तीन चार, देखिए मैंने फोर टाइम रिपीट किया है फ्रेंड्स, और इसके अंदर देखिए मैंने दो दो लाइनें डाली हैं। तो फ्रेंड्स ये दो लाइनों की डिजाइन था और ये चार सिलाइयां मैंने उल्टी बुनी है, फिर ये मैंने पिंक कलर का फूल डाला है, फिर ये चार सिलाइयां हैं। इस तरह से देखिए मैंने रिपीट कर लिया। और फ्रेंड्स ऊपर देखिए मैंने पांच सिलाइयां उल्टी बुनी है। पांच सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब हम इसको फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, अब हम इसे तो टोटल फ्रेंड्स देखिए यहां पर से यहां से आप देख लीजिए, यहां से आप लाइनें गिनेंगी तो आपको इजी रहेगा। देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लाइनें नीचे हो गई, ये दो ये हमारा फूल आ गया जो हमने आपको सिखाया था, फिर ये हमारी दो लाइनें बीच में आ गई, फिर ये फूल, फिर ये दो लाइनें इस तरह से ऊपर तक आ गए, और ऊपर मैंने ये पांच लाइनें बुन ली हैं उल्टी सिलाई से। अब पांचवी लाइन के बाद देखिए छठी सिलाई जो है ये ऊपर वाली, ये आपने क्या करना है, आपने अभी इसमें 24 फंदे उल्टे ही बुनने हैं, दो तीन चार पांच, तो मैं 24 फंदे बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। मैंने 24 फंदे उल्टे बुन लिए हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब आपने दो फंदों को एक करना है, इस तरह से दो फंदों को एक करना है, देखिए इधर 24 फंदे रहेंगे और फ्रेंड्स ये देखिए इधर भी 24 फंदे रहेंगे, और बीच के सारे फंदे को एक करके मैं 24 फंदे बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इधर के 24 फंदे मैंने उल्टे बुने थे, बीच के सारे फंदे मैंने एक एक साथ दो दो करके एक बार बुन लिए, यानी घटा दिए मैंने, दो फंदों को मैंने एक कर लिया है बीच के सारे फंदों को, और अब ये 24 फंदे बचे हैं तो मैं इसको भी उल्टा ही बुन लूंगी। ये ऊपर के बॉर्डर की हमारी छठी लाइन है, छठी रो है, लाइन तो तीसरी है फ्रेंड्स, दो सिलाइयों में हमारी एक लाइन बनके कंप्लीट होती है, तो आप दो सिलाइयां बुनेंगे तो आपको एक लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फ्रेंड्स आप इसे देखेंगी एक बार बुनना स्टार्ट करेंगी तो इंशाल्लाह आप जरूर बना लेंगी, ये बहुत इजी और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा डिजाइन है। छठी रो भी इसके ऊपर की कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, अब हमने जो पीछे वाले साइड है ये देखिए बैक साइड, तो अब आपने क्या करना है, इस रो को आप पूरी उल्टी बुन लीजिए,
31 रो को उल्टी बुनकर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। नेक्स्ट रो में देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इस रो को देखिए पूरी उल्टी बुन ली है। उल्टी बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये शुरू के 24 फंदे उल्टे बुन लिए हैं और जो बीच के फंदे हमारे, अब हमें जैसे हमने पहले एक के दो, दो का एक करा था, इसी तरह अब हम इन दो फंदों को फिर से बीच के फंदों को, दो फंदों को एक करेंगे इस तरह। लूज हाथों से ही करिएगा, टाइट मत करिएगा फ्रेंड्स। इस तरह दो फंदों को एक कर लीजिए और आपने शुरू के और इधर के 24 फंदे ऐसे ही उल्टे बुनने हैं इस रो में, और बीच के फंदों को आपने दो फंदों का एक करना है। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर कर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, ये 8 रो कंप्लीट हो गई है, ये वाली 2 4 6 8 चार लाइनें ये कंप्लीट हो गई हैं। अब बीच के फंदों को मैंने दो फंदों का एक कर लिया है, इधर मैंने 24 फंदे उल्टे बुने हैं और इधर भी 24 फंदे उल्टे बुने हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड में फ्रेंड्स हमने फिर से पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। इस रो को आप उल्टा बुन लीजिए फ्रेंड्स। देखिए मैंने उल्टी रो भी पूरी कंप्लीट कर ली है, उल्टी तरफ है, और ये हमारी देखिए 1 2 3 4 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। और अब देखिए 2 4 इधर भी 8 4 हो गई हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब हम जो करेंगे सीधी तरफ हैं, अब हम तो सीधी तरफ देखिए हम क्या करेंगे, आपने इन दो फंदों को उल्टा बुनना है और इसको इस पे चढ़ाना है। हम ये फंदे बंद कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए बंद कैसे करते हैं, इन दो फंदों को इस तरह, फिर इस सिलाई पे चढ़ा दीजिए, फिर इन दो फंदों को एक करिए, फिर इसे सिलाई पे चढ़ाइए और फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए, फिर इस फंदे को सिलाई पे चढ़ाइए, फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए, इसे सिलाई पे चढ़ाइए। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं, अब लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट वाले फंदे को देखिए, इसके अंदर से थोड़ा बड़ा धागा रखा है कि इसी से हम इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए इतना प्यारा सा खूबसूरत सा देखिए डिजाइन तैयार हो गए हैं। देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से करेंगे हम इसकी सिलाई। पहले यहाँ से सिलेंगे, फिर यहाँ से सिल देंगे। तो फिर मैं आपको इसको नीडल में डालकर सिलाई कर दिखाती हूँ। देखिए अब हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। तो आपने देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक कर बताती हूँ, सीकर फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने इसको अच्छे से देखिए इसकी सिलाई कर ली है। अब देखिए जो बीच में है ना, हमने यहाँ इस तरह से नहीं सीना है, हमने यहाँ इस तरह से कच्चा करना है ताकि यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई आ जाए। और अगर आप सील देंगी तो यहाँ पे नोक आ जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी जूते में। थोड़ा गोलाई से सीएंगे यहाँ पे, तो आप पहले कच्चा कर लीजिए। देखिए फिर आपने इसको इस तरह से सीना है। देखिए इस तरह से ये गोल आ जाएगा, फिर आपने इसको पक्का करना है। इस तरह से देखिए ये गोल आ गया। बस अब आप यहाँ एक दो टांके लगा लीजिए और इसे फिनिश कर लीजिए।
और अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा शूज बनकर आया है, हमारा जूता कंप्लीट हो गया। बस फ्रेंड्स अब हम इसकी थोड़ी सी आउटिंग करेंगे इस पिंक वाले ऊन से। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, देखिए अब आपने तीन चैन बुननी है, एक दो तीन, तीन चैन बुनने के बाद फिर आपने देखिए यहाँ इस तरह से, फिर आपने देखिए एक दो छोड़ के थर्ड में यहाँ इस तरह बुन दीजिए, फिर एक दो तीन बुन लीजिए, फिर इसी में दोबारा से, फिर देखिए एक दो तीन छोड़िए यहाँ बुन लीजिए इस तरह से, फिर देखिए एक दो तीन और आपने इस तरह से एक दो तीन छोड़ के यहाँ बुन लीजिए, एक दो तीन इस तरह से। फ्रेंड्स मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, तीन चैन बुनिए, एक बन लीजिए, फिर दोबारा से इसमें इस तरह बुनिए, फिर इसके बाद देखिए यहाँ आपने इस तरह से, फिर एक दो तीन, ये हमारे बहुत प्यारे से कंगूरे बन रहे हैं फ्रेंड्स। फिर डबल क्रोशिया से एक बार बुनेंगे, फिर इसके बाद देखिए यहाँ इस तरह से इसको फिनिश कर देंगे। और इन दोनों को आप चाहें तो इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से एक बार यहां बांध दीजिए एक बार और, जो है इस बनने के बाद देखिए इसका कितना खूबसूरत सा लुक आया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।